रायबरेली में यहां के कांग्रेसी नगर पालिका अध्यक्ष को पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया। नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के खिलाफ पुलिस ने हेट स्पीच की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में शत्रुघ्न सोनकर अपने नेता राहुल गांधी की तारीफ करते करते भावनाओं में बह गए। इसी फ्लो में सोनकर पीएम मोदी समेत सीएम योगी तक पर अभद्र टिप्पणी करने लगे। सोनकर का ये वीडियो वायरल होते ही भाजपाइयों में उबाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहले जिलाधिकारी सोनकर के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा और बाद में नगर कोतवाली में सोनकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वो पर्चे बता दीजिए। अभिषेक वर्मा, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी रायबरेली। ये क्यों ज्ञापन लेके आ गए आप लोग? ज्ञापन देना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के खिलाफ। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष ने एक बहुत गलत बयान दिया है। एक संवैधानिक पद पर होते हुए आप किसी भी ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी गलत नहीं देनी चाहिए, जिसको जो है समाज स्वीकार न करे। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इसलिए आए हैं कि ऐसी टिप्पणी जो उन्होंने की है, कहा है हमारे जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसके लिए हम लोग एसपी को जो है ये ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरह की जो टिप्पणियाँ लोग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, महाराज जी के खिलाफ, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे इस तरह की जो भी कोई दोहराता है उसको जो है कार्रवाई करके उसके ऊपर दंडित कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम बौखला गए हैं। 2024 को देखते हुए जनता चूंकि कांग्रेस की तरफ अपना रुख मोड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को इस बार 2024 में जनता समर्थन देने जा रही है, और इस वजह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, जिनके कोई औलाद नहीं है, और देश उत्तर प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी, योगी नहीं उनको हम तो ढोंगी कहते हैं, वो इस तरह से सरकार चला रहे हैं, तो ये सब मिल करके राहुल गांधी को रावण बता रहे हैं। राहुल गांधी जी तो देश की जनता के लिए जो भी काम कर रहे हैं इनके कारनामे उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी जी, इस वजह से ये बौखला गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ एक अमर्यादित टिप्पणी दिया था, जिसके लिए हमने उनके ऊपर FIR करवाई है। उन्होंने अपने अध्यक्ष पद कांग्रेस से लड़कर चुनाव में उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर अपने आप को स्थापित किया और वो ये भूल चुके थे कि वो जनता द्वारा चुने गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो योजना रचना प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने की है, उसी चल ढर्रे पर वो भी चल करके उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके अपशब्द बोले हैं। क्या मांग है आपकी ऐसे अमर्यादित टिप्पणी करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर? हमारी मांग ये है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बयानबाजी ना कर सके। आज दिनांक 10 अक्टूबर को कुछ भाजपा नेताओं के द्वारा थाना कोतवाली नगर रायबरेली पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर पे कुछ आरोप लगाए हैं, जिनके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।